में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे हालात की समीक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लेंगे। सीएम ने अचानक बुलाई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी मौजूद रहेंगे, कोर ग्रुप के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। आपको बताएं, मुख्यमंत्री गहलोत हालात की समीक्षा करने वाले हैं और खबर यह भी आ रही है कि सीमाएं सील कर दी गई हैं 7 दिनों के लिए। मुमकिन है कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लेने के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि सीएम ने यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अचानक बुलाई है और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी मौजूद रहेंगे और कोर ग्रुप के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। 11,000 से ज्यादा मामले राज्य में आ चुके हैं और ऐसे में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री। सीएम ने अचानक बुलाई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी रहेंगे मौजूद, कोर ग्रुप के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे हालात की समीक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लेंगे। सीएम ने अचानक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई है। और नरेश शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर। नरेश, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्योंकि अचानक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई गई है, क्या फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, कल जो है वो समीक्षा बैठक नहीं हो पाई थी। मेडिकल डिपार्टमेंट की जो रोजाना मीटिंग होती है कोरोना को लेके प्रदेश की स्थिति के बारे में, और आज चूंकि शाम को विधायक दल की बैठक है मुख्यमंत्री आवास पे, इसलिए शाम को भी बैठक नहीं हो पाएगी। ऐसे में आज अभी 11 बजे जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक बुलाई है, आधे घंटे की नोटिस पे बैठक बुलाई है। इसका एक कारण ये भी है कि कल जिस तरह से अचानक प्रदेश में और खासकर राजधानी की बात करें तो अचानक जो संक्रमण के मामले बढ़े थे उसको लेकर कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चिंता में है कि आगे क्या रणनीति बनाई जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, इतने लॉकडाउन होने के बावजूद भी जो संक्रमण का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक बुलाई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, SES राजीव स्वरूप, SES मेडिकल रोहित सिंह है, इसके अलावा सुबोध अग्रवाल है, कुलदीप राका है, ये तमाम जो कोर ग्रुप के जो अधिकारी है, मंत्री है, ये मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में औपचारिक रूप से बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें प्रदेश के हालातों की समीक्षा होगी। और लगातार इतनी कोशिशों के बावजूद भी जो संक्रमण बढ़ रहे हैं तो इसको लेके फिर से एक बार कह सकते हैं कि पुनर्विचार किया जा रहा है कि और क्या स्थिति जो है वो हो सकती है प्रदेश में, और साथ में सरकार की तरफ से क्या और कड़े कदम उठाए जाए, क्योंकि जिस तरह से छूट दी गई है, लॉकडाउन खोला जा रहा है धीरे धीरे, और अधिकांश जो कह सकते हैं ज्यादातर लॉकडाउन खुल चुका है, ऐसे में संक्रमण के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं तमाम मुद्दों पर फिर से रिव्यू होगा इस मीटिंग में, और देखना ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या अहम फैसला ले पाते हैं। बिल्कुल नरेश, और कहीं ना कहीं ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार नजर रहेगी।